जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बंस रोड में मौजूद हूँ और हम कवर करने आए थे कि एक बिजली के बिलों के अंदर जो है इजाफी टैक्स ताजरों के ऊपर कराची के रहने वाले और कराची में काम करने वाले ताजरों पे लगाया गया है। बिजली के बिल में अब सेल टैक्स और रिटेलर के नाम से वो टैक्स पे 6,000 रुपये फिक्स वो ताजर को देना है। इस वक्त एक ताजर मेरे साथ मौजूद है, मैं नहीं जान रहा हूँ भाई ये क्या है, इसको क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं कराची वाले तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं है भाई, सरकार ने लिए सरकार को जाएगा, सरकार को जाएगा तो सरकार सेल टैक्स अलग ले रही है। अच्छा, इस बदले में जो टैक्स ले रहे हैं आपको फैसिलिटीज क्या क्या दी जा रही है ये भी तो बताएं, बहुत सारी फैसिलिटीज भी तो दी जा रही है, कितना टैक्स दे रहे हैं आप? अगर टैक्स के अंदर कोई फैसिलिटी मिलती तो शायद खामोशी से इसको पे कर देते, ना तो टैक्स के मिलने में हमें कोई फैसिलिटी है, ना हमें किसी हिसाब की कोई सहूलत है। अगर आप कोई टैक्स बाहर पे करते हैं तो आपको बहुत सारी सहूलतें मिलती है, जो कुछ होता है करने में मेरी 80% जिंदगी बाहर गुजार रही है, वहाँ पर टैक्स पे करने में यहाँ का टैक्स पे करने में यहाँ पर सब अगर जुर्म है, मैं तो बोला कराची में बस बिला वजह का बटन डाल दिया और कुछ भी नहीं। ये एक ताजर की आवाज़ नहीं है, मैं इधर मुख्तलिफ जगहों से विजिट करते हुए आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है और आज एहतजाज भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान साहब हैं, उन्होंने अपनी तमाम लोगों को निकाला सड़कों पर आए, और अगर आज ये बिल देना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने इसकी वो करवा ली इंस्टॉलमेंट और वो दे रहे हैं, मगर लोग निकलेंगे यार आप इतने महंगाई में इतने सारे मसले मसाइल में, अब इसी शहर के ताजर आपको मिले कि आप उनको दबाओ और उनसे जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो, मतलब ये एक तरह से जुल्म है और जुल्म को बंद होना चाहिए। जो भी बैठे हैं बाकी सत्ता पे लोग ये जो भी माइंडसेट हैं जो समझ रहे हैं कि बस निचोड़ो जितना निचोड़ा है, मर जाए उसको दोबारा छोड़ो, दूसरे को पकड़ो फिर निचोड़ो, आज ताजिर है कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, फिर एक आम आदमी आ जाएगा, कहाँ जाए? सिर्फ यही लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ जाए, आपको यही शहर मिलता है सारी चीज़ें करने के लिए निचोड़ने के लिए, और बदले में आप देख क्या रहे हैं, टूटी सड़कें, बिजली नहीं है, कौन सी चीज़ है, गैस नहीं आ रही आपके इलाकों के अंदर, सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं वो आपके सबके सामने, कौन सी चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में आप इसी शहर की तरह टैक्स दे रहे हैं, ज़रा ना इंसाफ से इसको देखना चाहिए। ताजर यही एहतजाज करो और आगे जाके ताजर निकलेगा, एहतजाज करेगा और अपना हाथ मांगेगा और पूछेगा ये सरकार कौन लोग हैं जो ऐसे टैक्स लगा रहे हैं, बदले में ये क्या रहे हैं। शुक्रिया।